हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड से। फ्रेंड्स, आप हर कोई वाजिब होंगे, नाम सभी को याद है, लेकिन जो इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, जो जो स्टूडेंट राजस्थान पटवार ग्राम सेवक और आरएसएट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम में एक रामबाण की तरह ये वीडियो साबित होगा। क्योंकि इसके अंदर आप पढ़ रहे हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, यानी कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट्स माना जाता है कीबोर्ड के अंदर। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कीबोर्ड से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कीज से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपका डाउट एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कीबोर्ड से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे, कीज से संबंधित जो महत्वपूर्ण कीज होती है, उन सभी कीज को आप आसानी से मुंह पे याद रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना, वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरा देखना। मात्र ये कुछ ही टाइम का वीडियो है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ओनली फॉर हमने कीबोर्ड को विस्तारित से समझाया है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक यहाँ से बनने की पूरी संभावना होती है। उन सभी चीज़ को मैंने अपने यहाँ पे वीडियोस के अंदर रख दिया है। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस, महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आज कीबोर्ड को। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने ग्राफिक्स दिख रहा है, जो फ्रेंड्स आपके सामने ये ग्राफिक्स दिख रहा है, ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि एक प्रकार से किसका प्रकार है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये क्या एक प्रकार से कीबोर्ड ही है। क्या ये कीबोर्ड है? और कीबोर्ड का उपयोग यूजर किसके लिए करता है? टाइप करने के लिए करता है। ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। क्या ये कंप्यूटर का महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कीबोर्ड की, तो आपको याद रखना है कीबोर्ड एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस माना जाता है। आपको याद रखना है कि कीबोर्ड को कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में पेश किया गया, यानी कई बार सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड जो होता है इसको कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में पेश किया गया। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है कि कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को फ्रेंड्स कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में पेश किया गया था। एक सामान्य कीबोर्ड होता है फ्रेंड्स, एक सामान्य जो कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में फ्रेंड्स सामान्य कीबोर्ड में फ्रेंड्स संख्या अगर पूछी जाती है कीज की, तो 101 से लगा के 104 तक हो सकती है। अब उससे एक्स्ट्रा हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन आपको याद रखना है सामान्य प्रचलित एक कीबोर्ड में कम से कम कीबोर्ड की संख्या 101 से लगा के 104 तक हो सकती है। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ पे स्क्रीन के सामने सबसे महत्वपूर्ण कीबोर्ड की कीज है जो आपके सामने यहाँ पे आ गई है, यानी इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि आपको पूछा जा रहा है फंक्शन कीज, कीबोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण कीज फंक्शन कीज। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिखा हुआ देखो दिख रहा है फंक्शन कीज, तो फंक्शन कीज फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि फंक्शन कीज जो होती है ये फ्रेंड्स F1 से लगा के, कहाँ से होती है? F1 से लगा के F12 तक, यानी थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान देना है कहाँ से कहाँ तक, F1 से लगा के F12 तक, कहाँ तक? F1 से लगा के F12 तक ये जो कीज है ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये आपको फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है F1 से लगा के यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ी आवाज़ यहाँ पे फ्रेंड्स बाहर थोड़ा यहाँ पे मतलब कोई स्पीकर यहाँ पे मतलब बज रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे फंक्शन कीज, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज होती है वो आपके सामने मैंने ग्राफिक्स के द्वारा समझाया है, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है फंक्शन, यानी फंक्शन कीज कीबोर्ड की वह कीज होती है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है कीबोर्ड के अंदर, फंक्शन रिलेटेड जो भी कार्य करने के लिए यूज होती है वो कौन सी होती है? फंक्शन कीज होती है। और आपकी स्क्रीन के सामने देखो आ गई है फंक्शन कीज। अभी फ्रेंड्स इन फंक्शन कीज से संबंधित आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन इस फंक्शन कीज से बनने वाले हैं वो सारे के सारे इस टॉपिक के माध्यम से हम देखेंगे। यानी पहली बात तो आपको याद रखना है कि जो फंक्शन कीज होती है ये फंक्शन कीज F1 से लगा के F12 तक, यानी आपको चित्र फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है F1 से लगा के जो F12 तक जो कीज होती है इन्हीं को कहा जाता है फ्रेंड्स फंक्शन कीज। यानी फंक्शन कीज की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको सामने ही दिखाई दे रही है कितनी होती है, फंक्शन कीज की संख्या होती है 12 होती है। कितनी होती है? 12 फंक्शन कीज की संख्या होती है। अब जिसमें पहला लिखा हुआ है F1,
क्या लिखा हुआ है F1। तो आपको याद रखना है कि F1 का उपयोग कहाँ पे होता है, तो F1 का उपयोग कहाँ पे होता है, यूज फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, यानी कंप्यूटर के अंदर आप कोई सहायता लेना चाहते हैं यानी हेल्प लेना चाहते हैं, तो हेल्प लेने के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे, F1 का। किसका उपयोग करेंगे, F1 का की उपयोग करते हुए आप किसी प्रोग्राम में हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने F2, F2 लिखा हुआ, तो F2 का आप ध्यान रखेंगे कि यूज फॉर रीनेम ऑफ फाइल एंड फोल्डर, यानी आपके कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर पड़ा है, उस फाइल या फोल्डर का अगर आप नाम बदलना चाहते हैं, यानी नाम बदलने के लिए किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे, F2 का उपयोग करेंगे। यानी फ्रेंड्स मेरे साथ साथ में अगर आप ये चाहें तो आप अपने बुक्स के अंदर नोट कर सकते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा ना दिखे जो आपके लिए वहाँ पर समस्या पैदा करे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देंगे, इसके अलावा आप यहाँ पे लिखा हुआ है F3, यानी F3 की का कभी आपको पूछा जाता है, तो अगर आप प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हैं यानी कंप्यूटर के अंदर जो सर्च प्रोग्राम का जो टूल बार होता है वो आप इस शॉर्टकट की F3 को दबाते हुए भी ये यूज़ में ले सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि F3 जो लिखा हुआ है ये कीबोर्ड की कौन सी कीज, ये फंक्शन कीज होती है, लेकिन फंक्शन कीज में ये कार्य करती क्या है, तो आपको याद रखना है किसी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, F3 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है F4, यानी F4 का ज़्यादातर साधारण फ्रेंड्स यहाँ पे यूज काफ़ी कम होता है सिंगली, लेकिन अगर आप इसी F4 को किसके साथ दबाते हो, अल्ट के साथ में दबाते हैं, किसके साथ में दबा हुआ है, अगर अल्ट के साथ में दबाओगे तो अल्ट के साथ में दबाने से कंप्यूटर के अंदर जो पावर ऑप्शन होता है जैसे आप कंप्यूटर को शट डाउन करना, रीस्टार्ट करना, स्लीप मोड करना यानी कंप्यूटर को बंद करना, रीस्टार्ट करना, ये सारा का सारा ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, पावर ऑप्शन में। तो इसी पावर ऑप्शन को लागू करने के लिए आप अल्ट के साथ में क्या दबा सकते हैं, F4 दबा सकते हैं। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है F5, तो F5 यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण डेस्कटॉप के ओनली फॉर, यहाँ पे बात हो रही है साधारण डेस्कटॉप पे आप F5 दबाओगे तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या होगा, रिफ्रेश होगा। लेकिन अगर इसी की बात करें यहाँ पे पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में F5 से क्या होती है, स्लाइड शो स्टार्ट होती है। ये मैं एक्स्ट्रा और भी पावर पॉइंट का जो टॉपिक होगा स्पेशल पावर पॉइंट के अंदर कवर करेंगे, लेकिन साधारणतः आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि F5 क्या कार्य करती है, तो F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए काम में ली जाने वाली फंक्शन कीज होती है। इसी तरह से और भी आगे देखो कीज दी हुई है जो आपके एग्जाम में बनने लायक है, जितने भी महत्वपूर्ण कीज है मैं आपको सभी यहाँ पे देखो आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं। तो मेरे फ्रेंड्स इन कीज को आप पूरी तरह से याद रख लीजिए, क्योंकि यही कीज पूछी जाती है एग्जाम में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है F7, तो F7 होती है, ये F7 क्या कार्य करती है, स्पेलिंग चेक करनी हो, अगर फ्रेंड्स ग्रामेटिकल जो चेक करना है, स्पेलिंग चेक करना हो, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, यानी एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में अगर आप मीनिंग को चेक करना चाहते हैं, स्पेलिंग एरर को आप देखना चाहते हैं कि हमने कहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक की है, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रामेटिकल समस्या को देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, F7 का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ F12, और F12 ये भी फंक्शन की जो होती है, सबसे अंतिम की इस फंक्शन की यही होती है, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, यानी सेव एज के द्वारा क्या किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट जो पहले से बना हुआ है उसी डॉक्यूमेंट को आप अन्य प्रारूप में सेव करवा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले हमने कीबोर्ड के अंदर पढ़ा अभी फंक्शन कीज को, अभी कीबोर्ड के अंदर दूसरी की हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम फ्रेंड्स क्या है, कॉम्बिनेशन कीज, जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन कीज। अब मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि कॉम्बिनेशन कीज का कभी क्वेश्चन बनता है तो कॉम्बिनेशन कीज कितने होते, 3 होती है, कौन कौन सी, अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, कौन कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन कीज आपको पूछा जाए तो कौन कौन सी होती है, अल्ट होती है, कंट्रोल होती है, और कौन सी होती है, शिफ्ट होती है। अब यहाँ पे आपके सामने ना ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाया है कौन कौन सी होती है, अल्ट होती है, कंट्रोल होती है, और कौन सी होती है, शिफ्ट होती है। ये तीनों कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी कीज होती है जो जहाँ तक हो सके इसका अकेली की दबाने से कोई वहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, लेकिन इन्हीं की को आप दूसरी की के साथ में क्या करोगे, कंबाइन करोगे, इन्हीं की को आप दूसरी की के साथ में क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो कंबाइन करने के बाद में इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और कंबाइन करने की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। मेरे फ्रेंड्स कीबोर्ड में आप याद रखना कि कॉम्बिनेशन कीज किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अकेली कार्य नहीं कर पाती है, इसके साथ में कोई अन्य की को कंबाइन करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और इसी वजह से इन तीनों का नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन कीज होता है। आगे वाला देखो फ्रेंड्स, और भी आपके सामने ऑप्शन देखो दिया हुआ है एरो कीज।
अब एरो कीज और नेविगेशन कीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एरो की और नेविगेशन जो कीज यहाँ पे लिखा हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी कंप्यूटर के कीबोर्ड की महत्वपूर्ण कीज के अंदर आती है, यानी लिखा हुआ एरो की। पहली बात तो एरो की का ही दूसरा नाम क्या होता है, नेविगेशन कीज होता है। क्या होता है, एरो की को ही आप क्या कह सकते हैं, नेविगेशन कीज भी कह सकते हैं। जो आपके सामने यहाँ पे दे रखी है, जो आपके सामने यहाँ पे दे रखी है ये जो एरो वाली कीज है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, नेविगेशन कीज बोल सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर अधिकतर इसका उपयोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की ओर बढ़ने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर याद रखना है कि जो तीर वाली जो यहाँ पे की आपको चार कीज दिखाई दे रही है, इनका नाम क्या होता है, एरो की, या फिर आप इसी की को दूसरे अन्य नाम से जान सकते हैं जिसका क्या नाम होता है, नेविगेशन कीज। फ्रेंड्स उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, क्योंकि इससे आपको बेहतर कोई समझा नहीं सकता। बेहतरीन ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको पूरा कीबोर्ड आपके माइंड में फिट कर रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, ताकि कीबोर्ड से संबंधित तो आज आपने देख लिया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आप बनना चाहते हैं मास्टर माइंड, तो आज ही आप इस संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सीरीज और महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण चला रहे हैं। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर कीज होती है जिसका नाम होता है टॉगल कीज। क्या होता है टॉगल कीज, क्या होता है मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे। इसके अलावा जो कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है जिसका नाम होता है टॉगल कीज, और टॉगल कीज कंप्यूटर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली बात देखो याद रखना है, जो कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक है और नम लॉक है, तीन यहाँ पे दे रखी है, कौन कौन से, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। इन्हीं तीनों कीज को क्या बोलेंगे, आप थोड़ा ध्यान देना, इन्हीं तीनों को आप क्या बोलेंगे, टॉगल कीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉगल कीज बोलेंगे। और यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स के द्वारा भी समझाया कि कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक होती है, नम लॉक होती है और कौन सी होती है, स्क्रॉल लॉक होती है। यानी जो आपके सामने ये तीन कीज बता रही है इन्हीं को क्या कहा जाता है, टॉगल कीज कहा जाता है। अब मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना है कि पहली बात उसका क्वेश्चन बनेगा तो ये पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होती है, ऑन और ऑफ के ऊपर। यानी ये ऑन रखने से कोई दूसरा कार्य होता है और ऑफ रखने से कोई दूसरा अन्य कार्य होता है। अब ये थोड़ा ध्यान देना कि कैप्स लॉक, तो कैप्स लॉक क्या कार्य करती है, अगर आप अल्फाबेटिकली मतलब स्मॉल में लिख रहे हैं, अगर आप अल्फाबेटिकली को स्मॉल में लिख रहे हैं, अगर आपको कैप्स लॉक अगर आप वहां पे दबा देंगे तो जो भी लिखा हुआ वर्ड होगा ए टू जेड वो सब किस में आ जाएगा, कैपिटल में लिखा हुआ आ जाएगा। यानी स्मॉलाइजेशन को कैपिटलाइज में बदलने के लिए किस की का उपयोग किया जाएगा, कैप्स लॉक का। नम लॉक का क्या कार्य होता है, अगर आप जो साइड से नंबरों को टाइप करते हैं उन्हीं नंबरों को आप अगर लॉक करेंगे, अगर नंबर लॉक को अगर बंद कर देंगे तो वहां पर वो नंबर टाइप नहीं होंगे। स्क्रॉल लॉक ये भी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण टॉगल कीज होती है, पेज अप पेज डाउन फ्रेंड्स पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड है। यानी कुल मिलाकर स्क्रॉल लॉक को भी आप याद रखना ये किसका प्रकार है, टॉगल कीज का प्रकार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनको ग्राफिक्स के माध्यम से इजी वे से कीबोर्ड टॉपिक पूरा समझ में आ सके। नेक्स्ट और अन्य कीज होती है जो आपके सामने आ चुकी है, नेक्स्ट कीज होती है जिसका नाम होता है न्यूमेरिकल कीज। कौन सी होती है, न्यूमेरिकल कीज। अब मेरे फ्रेंड्स ध्यान देना, न्यूमेरिकल कीज फ्रेंड्स जो साइड में होती है कीबोर्ड के राइट साइड में होती है, कीबोर्ड के जो राइट साइड में आपको दिखाई देती है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नंबर टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हो आप, नंबर टाइप करते हैं। तो नंबरों को टाइप करने वाली जो ये साइड में देखो दिखाई दे रही है ये वाली जो कीज है, ये जो कीज आपके सामने जो दिखाई दे रही है, इन्हीं कीज का नाम क्या होता है, न्यूमेरिकल कीज होता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको नंबरों को टाइप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी न्यूमेरिकल कीज को ऑन और ऑफ करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, नम लॉक का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, नम लॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप नम को लॉक कर देंगे तो ये कीबोर्ड की जो कीज बता रही है जो सामने आपके, ये काम नहीं करेगी। अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो ये सारी की सारी कीज काम करने लगती है। यानी ये जो साइड में बता रही है, साइड लेफ्ट राइट साइड में होती है कीबोर्ड के, ये जो आपके सामने ग्राफिक्स दिख रहा है ये फ्रेंड्स कौन सी कीज होती है, न्यूमेरिकल कीज होती है। और फ्रेंड्स कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती है वो भी आप देख लीजिए। एक फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज कीज, क्या होती है, विंडोज़ कीज। अब मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देना कि विंडोज़ कीज होती है ये क्या करती है, ये स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ही बन जाता है कि ऐसे कौन सी कीबोर्ड की की है जो स्टार्ट बटन को क्या करती है, लॉन्च करती है। स्टार्ट बटन को क्या करती है, लॉन्च करती है। तो स्टार्ट बटन को लॉन्च करने वाली कीबोर्ड की कीज कौन सी होती है, ये जो सामने दिखाई दे रही है ये क्या है, विंडोज़ कीज। इसका नाम क्या होता है, विंडोज़ कीज होता है। और ये विंडोज़ कीज क्या करती है, जैसे आप यहाँ पर दबाएंगे तो जो स्टार्ट बटन होता है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। यानी कीबोर्ड के अंदर ऐसी कौन सी की है जो स्टार्ट बटन को खोलने का कार्य करती है, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने का कार्य करती है, तो वहां पे आप ध्यान रखना कौन सी है, विंडोज कीज है।
अब फ्रेंड्स और भी कीबोर्ड की कीज़ है जो आपके स्क्रीन के सामने आ रही है, थोड़ा ध्यान देंगे, सभी महत्वपूर्ण कीज़ है। एक भी कीबोर्ड की कीज़ ऐसी नहीं है जो सिंगली वे से आपको समझ में नहीं आ सकी, क्योंकि मैंने सारी कीबोर्ड कीज़ को ग्राफिक्स के द्वारा समझाया है। किसके द्वारा? ग्राफिक्स के द्वारा समझाया है। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कीबोर्ड आपका पीछे रहेगा, कीबोर्ड पूरा का पूरा आप आसानी से समझ सकते हैं। बाकी और भी अन्य जो कीबोर्ड की कीज़ होती है उन कीबोर्ड कीज़ को हम अलग वे से थोड़ा देखेंगे। एस्केप, ESC फ्रेंड्स लिखा हुआ एस्केप, यानी ये जो एस्केप कीज होती है ये कीबोर्ड के सबसे टॉप की और लेफ्ट साइड में होती है। इसका पूरा नाम क्या होता है? एस्केप होता है। ESC हर जगह लिखा हुआ होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? एस्केप होता है। क्या होता है? एस्केप होता है। और इसका कार्य अधिकतर कहाँ पे किया जाता है? ऐसे प्रोग्राम के अंदर आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपको क्लोज बटन नहीं दिख रहा है, यानी जो बाहर आने का निर्देश ही दिया हुआ नहीं है, तो ऐसे प्रोग्राम से आप बाहर आने के लिए कौन सी की का उपयोग कर सकते हैं? एस्केप कीज का उपयोग कर सकते हैं। यानी एस्केप कीज एक वह कीज है जो किसी प्रोग्राम से बाहर आने में यूजर की सहायता करती है। यानी ये कीज जैसे आप दबाएंगे, जैसे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन चल रहा है, जैसे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहता है तो आप कौन सी की का उपयोग कर सकते हैं? एस्केप की का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन इस तरह से देखो। अंतिम फ्रेंड्स, अंतिम यहाँ पे आपके सामने मैंने दे दिया है, ऑप्शन देख लो। एडिटिंग कीज, कौन सी कीज दे रही है यहाँ पे? एडिटिंग कीज और इसी को कहा जाता है स्पेशलाइजेशन कीज। अब स्पेशलाइजेशन कीज में क्या क्या दे रखा है? बैक स्पेस एक दे रखा है, स्पेस एक दे रखा है, टैब और एक दे रखा है यहाँ पे एंटर। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि बैक स्पेस होती है, बैक स्पेस जो की लिखी हुई है ये क्या करती है? बाईं तरफ से क्या कार्य करती है? बाईं तरफ से अगर आप अक्षरों को हटाना चाहते हैं तो बाईं तरफ से हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? बैक स्पेस का करेंगे। स्पेस बार होती है ये जगह देने के लिए काम करती है, यानी दो अक्षरों के बीच में अगर आप जगह देना चाहते हैं, दो अक्षरों के बीच में जो जगह देना चाहते हैं वो किसके लिए आप उपयोग करेंगे? उसका स्पेस कीज से आप इसका उपयोग करेंगे दो अक्षरों के बीच में जगह देने के लिए। टैब कीज ये भी महत्वपूर्ण कीज होती है, आप अगर टेबल के अंदर काम कर रहे हैं तो टैब को दबाते हुए नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट सेल में आप प्रवेश कर सकते हैं, यानी इस टैब का भी आप थोड़ा याद रखना। एंटर कीज ऐसी कीज होती है जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर आप पैराग्राफ के नीचे आना चाहते हो तो आप एंटर दबाएंगे, और ये की अगर ज़्यादा बार दबाने से आपके जस्ट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करती है? न्यू पेज डाल देती है। यानी न्यू पेज डालने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? एंटर कीज। यानी कीबोर्ड की वह कौन सी की है जो डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ दर्ज करती है, तो नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए, नया पेज दर्ज करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? एंटर का उपयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर न्यू फाइल खोलने तो आप कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करें? कंट्रोल एन का। लेकिन एंटर बटन भी एक ऐसी की है जो कीबोर्ड्स के ऊपर जो दी हुई होती है, ये दबाने से आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ नया आप दस्तावेज जोड़ सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ये हम आपके सामने लेके आए थे कीबोर्ड को, ये हम आपके सामने लेके आए थे महत्वपूर्ण कीबोर्ड, यानी इसके माध्यम से हमने पूरा का पूरा फ्रेंड्स देख लीजिए आप पूरा ग्राफिक्स आपके सामने दे रखा है। देखिए हमने एक एक कीज़ को समझा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको याद रखना एस्केप है, और भी देखो यहाँ पे विंडोज़ कीज़ कौन सी होती है मैंने आपको प्रॉपर समझाया, न्यूमेरिकल कीज़ कौन सी होती है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कीबोर्ड यहाँ पे आपका पीछे रह जाएगा, संपूर्ण कीबोर्ड लगभग हमने यहाँ पे बता दिया है। देखो टॉगल कीज़ यहाँ पे ये होती है, ये होती है फ्रेंड्स एरो की या नेविगेशन कीज़ होती है, ये कंट्रोल अल्ट यहाँ पे शिफ्ट ये दे रखा है, ये फ्रेंड्स कौन सी है? कॉम्बिनेशन कीज होती है। इसके अलावा फंक्शन कीज यहाँ पे सबसे ऊपर है, जिसमें मैंने सभी के सभी जो फंक्शन कीज समझ जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो सभी आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। और ये फ्रेंड्स आज हमने स्टार्ट किया था हमने यहाँ पे कीबोर्ड को, यानी कीबोर्ड फ्रेंड्स मैंने स्पेशली वीडियो बनाया, वैसे तो मैंने आगे वाले मॉडल पेपर में इसको डाला है, लेकिन मैं प्रॉपर वे से आपको कीबोर्ड पूरा का पूरा समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपके लिए एक नया वीडियो और भी बनाया। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स आप ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं तो आप रोजाना जो हर दिन आपके सामने आती है लाइव क्लास रात 9 बजे आज भी आएगी मेरे फ्रेंड्स, जब भी जो भी स्टूडेंट है उस रोजाना रात 9 वाली जो क्लास होती है लाइव क्लास उसको आप रेगुलर वे से ज्वाइन करते रहिए। पटवार या ग्राम सेवक एग्जाम तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो कंप्यूटर रिलेटेड बनता है पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस यहाँ से आपको करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये पहुंचाइए। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाला जितने भी वीडियोज़ हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।